हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो बहुत सारी जो हैं इसमें वैकेंसीज हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए वीडियो अंत तक ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे बहुत सारी जो है वैकेंसीज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। रिक्रूटमेंट नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड 13/6/2022 30/6/2022 तक इसकी जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं इन वैकेंसीज के लिए, नॉन टीचिंग एंड पैरामेडिकल की पोस्ट हैं, तो इनके लिए जो भी आप एलिजिबल होंगे वो इसको फिल कर सकते हैं। तो किस किस चीज़ की हैं, एनास्थीसिया की है, एनास्थीसिया टेक्नीशियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कैशियर, क्लर्क प्लस कैशियर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, डेंटल मैकेनिक्स एंड डायलिसिस असिस्टेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ईईजी टेक्नीशियन, हेल्थ विजिटर, होस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड टू, मीडिया मेकर, मेडिकल साइकेट्रिक, सोशल वर्कर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, जेआर, रेडियोग्राफर एंड स्टाफ नर्स की भी इसमें वैकेंसीज हैं। कहाँ आपकी जो है लोकेशन रहेगी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोसाइटी एसएएस नगर मोहाली की वैकेंसी है। फॉर एलिजिबिलिटी टर्म एंड कंडीशन एंड अदर इंफॉर्मेशन विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपने क्या करना है, आपको जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पेज का। आपने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह अगर देखना है तो रिक्रूटमेंट नोटिस पे आपने जो है क्लिक करना है, आपके पास पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगा। अब जो जो एलिजिबल हैं उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस दी गई है रजिस्ट्रेशन की, इससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपके पास जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपके पास जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ही ऑप्शन होगा। आपने न्यू रजिस्ट्रेशन ही करनी है क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देती हूँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास। ये आपके पास 5 स्टेप होंगे। फिल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपने, वहाँ पे आपने अपना ईमेल नंबर, मोबाइल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह अपना डालना है। उसके बाद आपको जो है आईडी एंड पासवर्ड रिसीव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा उसमें क्या होगा, आपने अपलोड करने हैं 30 KB साइज़ में पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा, फ़ोटो मस्ट बी लेटेस्ट आइडेंटिकल, लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए आपका, ये सब कुछ आपने जो है अपलोड करना है सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक कर देना है, उसमें जो भी डिटेल होगी आपने फिल कर देना है, अगर एडिट करना होगा एडिट कर देना है। नेक्स्ट में आएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपने प्रिंट करना है। और लास्ट आपके पास आएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो जब आप फिल करोगे ये वाला पेज आपके पास ओपन होगा, आपने क्या करना है प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप कोई भी पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हो तो यहाँ पे आपका आ गया, और जो है आपकी क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे आ रही है रिक्वायर्ड क्या है। यहाँ पे आपने सारी डिटेल भरनी है, यहाँ पे नेम, कैटेगरी फॉर पोस्ट, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, अपना जेंडर, फादर नेम, एज ऑन 1/1/2022, आधार नंबर एंड डोमिसाइल कौन से स्टेट का है, ईमेल एड्रेस, ये सारी अपने क्वालिफिकेशंस वगैरह, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन सब कुछ फिल करना है। यहाँ पे जो है आपको चेकलिस्ट दी गई है ये आपने फिल करनी है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड आपने कहाँ पे फिल करना है, होम पे जाके
यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करना है, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, उसमें आपने फ़ोटो एंड सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पेज ओपन होगा, नेक्स्ट में लॉक करनी है एप्लीकेशन फॉर्म, आपने देख लेना है उसको सही से, आपने चेक करना है कि आपने जो भी डिटेल फिल करी है वो सही है आपकी, अगर नहीं है तो एडिट भी कर सकते हो। एडिट के बाद आपका प्रिंटआउट का ऑप्शन आएगा, वो आपका हो जाएगा और ऐसे आपका जो है फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, बहुत सारे वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ की डिटेल के लिए आप यहाँ रिक्रूटमेंट नोटिस पे क्लिक करके इसका पीडीएफ निकाल सकते हो और इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पेज का। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।